हे गाइज, सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शेल्टर, और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह साल होता है 1998 का, जहां न्यू जर्सी के अंदर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक घर के अंदर होते हैं। तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है और इन बच्चों को शेल्टर के अंदर भेज दिया जाता है। तभी यह कहानी 25 साल बाद कैलिफोर्निया के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम ब्रैड और उसके बेटे मिकी को देखते हैं जो एक समुद्र के किनारे पर खेल रहे होते हैं। यहीं पर मिकी की मोम भी होती है। मिकी की मोम का नाम किटी होता है। यह फैमिली बहुत खुश होती है और ये तीनों जब अपने घर पर जा रहे होते हैं, जहाँ गाड़ी के अंदर शेल्टर नाम से एक गाना होता है और उस गाने को सुन रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के अंदर ये तीनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद ब्रैड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना को 4 महीने बीत जाते हैं, जहां मिकी अब अपनी बुआ सीरा के साथ रहने लगता है और मिकी की मोम किटी वो अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। मिकी अब वापिस न्यू जर्सी के अंदर रहने लगा है, लेकिन वह अपनी बुआ के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसकी बुआ कहती है कि तुमने अपने डैड को खोया है तो मैंने मेरे भाई को खोया है, हम दोनों को खुद को संभालना होगा। मिकी आज स्कूल की तरफ जाने लगता है, तभी उसे आर्थर नाम का एक लड़का मिलता है जो मिकी का अच्छा दोस्त बन जाता है और ये दोनों एक साथ स्कूल में चले जाते हैं। मिकी का स्कूल के अंदर पहला दिन होता है। मिकी को रास्ते के अंदर एक घर नजर आता है जिस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है, लेकिन मिकी इस चीज को इग्नोर करके स्कूल में पहुंच जाता है। मिकी को यहाँ स्कूल के अंदर एसले नाम की एक लड़की मिल जाती है, उसका भी आज स्कूल के अंदर पहला ही दिन होता है और एसले और मिकी इन दोनों के अंदर अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एसले की कुछ तस्वीरें ले लेता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह जासूसी कर रहा हो। बाद में एसले और मिकी ये दोनों लॉकर के पास चले जाते हैं। लॉकर के दरवाजे के ऊपर बटरफ्लाई होती है जो एसले को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए एसले वहाँ पर एक छोटे से हाथी की फोटो लगा देती है। बाद में मिकी और एसले को पता चलता है कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं और इसी वजह से ये दोनों यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। बाद में मिकी यहाँ पर अपने डैड के बारे में भी बताता है। एसले भी अपने डैड के बारे में बताती है कि उनको गुजरे हुए 4 साल बीत चुके हैं। एसले यहाँ से ग्राउंड के अंदर योगा के लिए चली जाती है, जहाँ हम उसके बैग के अंदर गन देखते हैं, यानी वह खुद को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मिकी भी यहाँ से वॉलीबॉल खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ट्रॉय नाम का लड़का मिकी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें वॉलीबॉल खेलनी ही नहीं आती। हालांकि मिकी ने वॉलीबॉल खेलना छोड़ दिया है क्योंकि वॉलीबॉल के साथ उसके डैड की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए मिकी वॉलीबॉल नहीं खेलता। लेकिन ट्रॉय के बार बार फोर्स करने पर मिकी यहाँ पर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता जितना वह अपने डैड के साथ रहकर किया करता था। स्कूल के बाद मिकी यहाँ से घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये वही सॉन्ग होता है जब मिकी और उसकी फैमिली वाले उस रात सुन रहे थे जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मिकी इस गाने की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक घर के पास पहुँच जाता है। यह बहुत बड़ा घर होता है। तभी यहीं पर एक बूढ़ी औरत आती है जो मिकी को उसके नाम से पुकारती है। मिकी इस औरत को जानता तक नहीं। यह औरत मिकी से कहती है कि तुम्हारा डैड अभी जिंदा है, क्या तुम अपने डैड को ढूंढना चाहोगे? और इतना कहकर यह औरत फिर से घर में चली जाती है। मिकी इस औरत के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मिकी यहाँ पर दरवाजों को पीटने लगता है। तभी यहीं पर इमा नाम की लड़की आती है और इमा मिकी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिकी बोलता है कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी, वो मुझे बात करने की कोशिश कर रही थी। एमा बोलती है कि शायद तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और इतना कहकर एमा वहाँ से चली जाती है। मिकी बाद में एसले के साथ मिलने का प्लान बनाता है और एक रेस्टोरेंट में उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एसले वहाँ पर आते ही नहीं और मिकी वहाँ पर बैठा बैठा एसले का काफ़ी देर तक वेट करता रहता है। उसे बहुत सारे मैसेज भी करता है, लेकिन एसले उसकी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। मिकी यहाँ से अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बुआ होती है। मिकी अपनी बुआ को इग्नोर करता है तो सीरा मिकी से बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मिकी अपनी बुआ के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे मॉम डैड का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसी वजह से हम लोगों को कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ा, अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। और अपनी बुआ के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है और वह उसी बड़े घर में जाने की कोशिश करता है जहाँ उसने उस बूढ़ी औरत को देखा था, और वह यहाँ पर दरवाजों को पीटने लगता है। तभी यहीं पर एक पुलिस वाला आता है जिसका टेलर नाम होता है, जो ट्रॉय का डैड होता है, और वह मिकी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है।
तब पुलिस वाले को पता चल जाता है कि यह ब्रेड का लड़का है और उसी वजह से टेलर मिकी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसने चुपके से एसले की तस्वीरें ली थी। वह यह तस्वीरें किसी और को भेजता है तो सामने से रिप्लाई आता है कि उसे ढूंढो नहीं तो हम मारे जाएंगे। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर तब तक सीरा भी आ जाती है जो मिकी को छुड़वा लेती है और हमें पता चलता है कि सीरा और टेलर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पहले एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे, लेकिन ये दोनों ज्यादा बातें नहीं करते और मिकी को छुड़ाकर सीरा अपने घर पर ले जाती है। सीरा यहाँ पर मिकी से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे। मिकी बोलता है कि क्या आपने बैट लेडी के बारे में सुना है। तो सीरा बोलती है कि वो बनी बनाई कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर सीरा बताती है कि जब तुम्हारा डैड 9-10 साल का था तब वह उस घर के अंदर चला गया था, लेकिन वह कुछ टाइम के बाद जब घर से बाहर निकला तब वह पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन उसी घर के अंदर उस वक्त एक डायलन नाम का भी लड़का था जो गायब हो चुका था, लेकिन उस लड़के को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तुम उस घर से दूर रहा करो। मिकी यहाँ से अपने घर पर आ जाता है और इंटरनेट के ऊपर डायलन के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि डायलन उसी घर के अंदर खो गया था और वह आज तक सामने नहीं आया है। साथ ही हमें एक फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है जहां जब ब्रेड घर के अंदर था तब उसे निकालने के लिए उसकी बहन सीरा आई थी और शायद हमें यह लगता है कि सीरा ने ही ब्रेड को बुली करके उस घर के अंदर भेजा हो। मिकी अगले दिन स्कूल के अंदर चला जाता है जहां पर ट्रॉय और बक ये दोनों लड़के मिकी को बुली करना शुरू करते हैं। यहीं पर आर्थर भी होता है, आर्थर को भी ये लोग बुली करते हैं। तब मिकी इन लोगों के साथ लड़ाई करता है और यहाँ से चला जाता है। मिकी यहाँ से अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन वह देखता है कि एसले अब तक नहीं आई है और उसे पता चल जाता है कि एसले शायद कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ हम ईमा को देखते हैं जिसके पास बक आकर बैठ जाता है और वह ईमा को परेशान करने लगता है, लेकिन बक तभी यहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर मिकी आ चुका था और वह ईमा के साथ बात करने लगता है। ईमा बोलती है कि अगर तुम मुझे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर बैठे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करने वाली। मिकी बोलता है कि नहीं, मैं दोस्ती नहीं करना चाहता। ईमा यहाँ पर मिकी से पूछती है कि तुम उस रात बैट लेडी के घर पर क्या कर रहे थे। तो मिकी बोलता है कि वो लेडी मुझे बोल रही थी, उसने कहा था कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है। ईमा बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैट लेडी सिर्फ कहानियों में ही है, इसीलिए ये तीनों रात को उस बैट लेडी के घर पर जाने का प्लान करते हैं। जहाँ रात को ये तीनों उस घर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन मिकी बोलता है कि केवल अंदर मैं ही जाऊंगा और वह यहाँ से उस घर के अंदर पहुंच जाता है और उस बैट लेडी को पुकारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मेरे डैड के बारे में कहा था, तुम मेरे बारे में और डैड के बारे में क्या जानती हो। मिकी को इस घर के अंदर वही गाना सुनाई देता है जो एक्सीडेंट के दौरान उनकी गाड़ी में बज रहा था। साथ ही मिकी को यहाँ पर वो हाथी की फोटो भी मिल जाती है जो एसले ने अपनी लॉकर पे लगाई थी। बाहर ईमा और आर्थर होते हैं, लेकिन तभी यहीं पर एक आदमी आ जाता है। किसी को शक ना हो इसीलिए ईमा आर्थर को किस करने लगती है, तब यह आदमी इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। मिकी भी इस घर से बाहर आ जाता है और वह बताता है कि मैंने उस घर के अंदर वही हाथी की फोटो देखी थी जो फोटो एसले ने लॉकर में लगाई थी। साथ ही वह खुद की और एसले की सेल्फी भी दिखाता है। ईमा तब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। मिकी आर्थर से बोलता है कि क्या तुम एसले के घर की लोकेशन जानते हो, तुम किसी ग्रुप के लिए काम करते हो, प्लीज मुझे उस घर की लोकेशन बता दो। तभी एक शॉर्टकट के जरिए उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर एसले रहती है, लेकिन वहां पर किसी का कत्ल हुआ होता है और आर्थर और मिकी जब इस घर के अंदर जाने लगते हैं तब उन्हें पुलिस रोक लेती है और पकड़ लेती है। यहीं पर एक औरत होती है, मिकी को लगने लगता है कि यह एसले की मॉम हो सकती है। मिकी बोलता है कि आपकी बेटी है कहाँ पर, तो यह औरत बोलती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। वही हम ईमा को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, उसके कंधे पर एक बटरफ्लाई होती है और सेम यही बटरफ्लाई उस लॉकर पर भी होती है जिस लॉकर पर एसले ने हाथी की फोटो लगाई थी। वही घर के अंदर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, उसके पास एक आदमी आता है और वह बताता है कि मैंने एसले का पीछा किया लेकिन वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। बूढ़ी औरत बोलती है कि अब कोई जरूरत नहीं है। तब इस आदमी के पीछे से दूसरा आदमी आ जाता है और इसे गोली मार देता है। इस बूढ़ी औरत के हाथों में हम मिकी की फैमिली की फोटो देखते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।